तो दोस्तों, क्या चाल है? स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और मैं मानता हूँ वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, कुछ दिक्कतें हो गई थी। क्या हुआ, मैंने रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने अपने रिकॉर्डर में, स्क्रीन रिकॉर्डर में माइक ही ऑन नहीं किया, और फिर वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। बाद में देखा एडिटिंग के टाइम कि भाई आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं, तो फिर करी मैंने रिकॉर्ड। तो खैर आज मैं फिर से कर रहा हूँ। तो खैर, और आज बात करेंगे कि भाई पसीना बहुत है, तो आज हम सीखेंगे यूवी अनरैपिंग। आपके पास कोई 2D इमेज है, 2 डायमेंशनल इमेज है, ठीक है, और उसको हम एक 3 डायमेंशनल क्यूब के ऊपर या मॉडल के ऊपर रैप कर देते हैं पूरा हम, ठीक है, पूरा उसे चिपका देते हैं, मतलब पूरा उसे लगा देते हैं, ताकि बिल्कुल ना लगे कि भाई अलग से लगाई रखी है, ऐसा ही लगे कि भाई इस मॉडल में ही टेक्सचर है, ठीक है, तो उसको यूवी रैपिंग कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, हम जैसे क्यूब को खोल देते हैं, हम पूरा क्यूब को खोल देते हैं और फिर अलग अलग फेसेस में हम अप्लाई करते हैं। जैसे जब आप देखोगे ना तो समझ जाओगे, डेफिनेशन तो खैर वैसे भी समझ में आती नहीं है। तो खैर अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपकी यूवी अनरैपिंग है ही, उसमें एक सीम भी है, सीम अप्लाई करते हैं हम। देखो मैं आपको अगर दिखाऊँ ना, ओके, तो देखो जैसे ये मान लो, समझ लो क्यूब है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ क्यूब को पूरा फ्लैट करना है आपको, मतलब खोल वोल के सारे फेसेस इसके पूरे फ्लैट करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक एनिमेशन भी बनाया इसमें, तो आप देख सकते हो कि कैसे इसमें फ्लैट करना है हमें। तो क्या करते हैं, इसमें सीम अप्लाई करते हैं, सीम होते हैं कट्स, जिस जगह से आप इसे खोलोगे, ठीक है, और इसे पूरा फ्लैट करने के बाद ही हम इस पर टेक्सचर अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल समझ में आएगा, लेकिन ये देखो ये क्यूब है, ठीक है, अब इसमें क्या किया, ये ऊपर का पार्ट है और ये पूरा, ये अब इसे पूरा फ्लैट करने के लिए, ठीक है, इसे क्या करेंगे, पहले यहाँ से खोल लेंगे, ठीक है, एक ऊपर यहाँ से हमने खोल लिया, समझ गए। तो ये पहले से मैंने खोल रखा ना, दरअसल आपके सामने क्या काटूंगा मैं, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो इसे पूरा यूं इधर यूं खोलने के लिए, देखो इधर पूरा यूं खोलने के लिए इसमें पहले हम यहाँ पे एक कट मारेंगे, ठीक है, काटेंगे इसे ताकि ये यूं खुल जाएगा, ठीक है, फिर एक यहाँ कट मारेंगे और एक यहाँ पे हम कट मारेंगे ताकि पूरा यूं खुल जाएगा, समझ गए। फिर क्योंकि हमने यहाँ पे कट मारा था, अब यहाँ पे एक कट मारेंगे और एक यहाँ पे कट करेंगे, तो ताकि ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे और ये पूरा आपका यूं खुल जाएगा, देखो टी बन जाएगा, टी बनना चाहिए आपका क्यूब में, समझ गए। आपका जब तक क्यूब में टी नहीं बनेगा, तो हो सकता है यार कैमरे से इधर उधर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसे फेंको साइड और अब चलते हैं अपने ब्लेंडर में। एनिमेशन में लगाया इसमें, आप देख लेना एनिमेशन में हम क्या कर रहे हैं। देखो मैं बता भी देता हूँ आपको एनिमेशन, जैसे ये हमारा एनिमेशन, देखो ये हमारा, इसमें मैंने ऊपर से कट किया, ठीक है, ऊपर से कट किया तो ये इधर खुल गया, फिर इस साइड में 2 कट किए हमने, एक इस साइड में एक उस साइड में, ताकि और खुल जाएगा, ये खुल गया। अब फिर हम एक इस कट इधर, एक कट इसमें इधर करेंगे, एक कट इधर करेंगे ताकि ये भी खुल जाएंगे। लास्ट में ये बचा, इसका क्या करना है, इसे भी नीचे कर दो, समझ गए, तो ये हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं आगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो पहले सेटिंग करते हैं, हम यहाँ पे सीन बनाते हैं अपना, यहाँ पे जाएंगे प्लस पे, प्लस बन जाएगा, साइड में जाओगे इसे होल्ड करके रखना लेफ्ट माउस, और इसे यहाँ ड्रैग करोगे तो ये आ जाएगी अलग पैनल। यहाँ से जाएंगे हम शेडर एडिटर में, एन हाइट कर देंगे, यहाँ से जाके एन करेंगे, पहले शॉर्टकट सिंबल कर लूँ, फिर यहाँ से पीरियड की दबाएंगे, फिर शिफ्ट ए करेंगे, टेक्सचर मैंने आपको बताया इमेज टेक्सचर, ठीक है, यहाँ से जाके इसे प्लग इन कर देंगे, यहाँ से लेके बेस कलर में, फिर इसे ओपन करेंगे, और मैंने कुछ टेक्सचर इसमें बनाए थे, कहाँ है यार, तो जैसे मेरे एक ये टेक्सचर है, ठीक है, टेक्सचर क्या क्या कह लो, मतलब फोटो कह लो ये। अब यहाँ से जाएंगे हम इसमें शेडिंग मोड में, तो शेडिंग मोड में गए तो ये इमेज कुछ ऐसी लगी है, ठीक है, ये जरा सा पहले से अनरैप होता है। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा यूवी एडिटर में, यहाँ से हमें यूवी एडिटर में जाना है। अच्छा, यहाँ पे यूवी का मतलब क्या होता है, आपके 3D मॉडल में होती है एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है, वो तो उसकी उस एक्सिस को नाम देने के लिए, 3D मॉडल की एक्सिस को नाम देने के लिए हम एक्स वाई और जेड बोलते हैं, तो लेकिन इमेज को क्या बोलेंगे, इमेज के लिए हम यू और वी बोलेंगे, यू मतलब एक्स और वी मतलब वाई, जेड नहीं होती है आपकी 2D में, ओके। और यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ पे अपनी इमेज सेलेक्ट करेंगे, एरिया हमारी इमेज, ठीक है, और इसके यहाँ पे जाके एडिट मोड में आ जाएंगे। तो देखो मैंने कहा था आपको टी बनाना है, तो ये देखो इसने टी पूरा बना दिया यहाँ पे, समझ गए, ये इसमें पूरा टी बन गया है। वैसे ये कंप्यूटर खुद ही अनरैप कर देता है कई चीज़ों को, मतलब कई सारे ऑब्जेक्ट्स को भी, मतलब कई सारे मॉडल्स को भी खुद ही अनरैप कर लेगा कंप्यूटर। एक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप बिना अनरैप किए भी टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है,
लेकिन जो मतलब खुद से करने में वो वैसे नहीं दिया। ओके तो हम कहाँ थे? हाँ तो यहाँ थे ना, इसे साइड में करते हैं, इसे करो साइड में, यहाँ से यहाँ पे जाना, लिंक नेबल कर लेना ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे मैं 3 दबाऊंगा और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये यहाँ पे ये फेस सिलेक्टेड है। इसे ऊपर को सेलेक्ट करूँगा तो ये वाला फेस है हमारा, इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये फेस है, और ये नीचे वाला होगा ऊपर का। तो जैसे ये फेस है ना, अब आप यहाँ पे आओ, इस पर क्या इमेज है? ये झरने वाली इमेज है, देख रहे हो? अगर मैं यहाँ से जी करूँगा ठीक है, ये आपका पूरा खुल गया। अब आप इस फेस को कहीं भी लेके जा सकते हो, इमेज के कोई भी पार्ट में। जी करके मैं मान लो ले जाता हूँ इस पार्ट में, इधर पेड़ों की तरफ, ये इधर की तरफ, इधर ले गया मैं, तो ये देखो पेड़ आ गए, ये देखो, देख रहे हो पेड़ आ गए, ये पेड़ आ गए आपके, अगर यहाँ से लूविंग ठीक है। और यहाँ से फिर जाके जी करके कहीं भी आप मतलब रख सकते हो, मान लो इस पार्ट में मैं रख देता हूँ। इसे आप स्केल और स्केल डाउन भी कर सकते हो, जैसे स्केल किया तो जूम हो गई, स्केल आउट किया तो ये जूम आउट हो गई। फिर रोटेट भी कर सकते हो आप इसे ठीक है, फिर से आप मूव भी कर सकते हो जी और एक्स एक्सिस में, फिर जी और वाई एक्सिस में, समझ गए? फिर जैसे यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, आपको पता नहीं कौन सी है, यहाँ पे जाके पीरियड की दबा दो, ये आ गई आपको नीचे वाली। इसे भी जी करके आप कहीं भी लेके जा सकते हो। चलो मैं मान लो यहाँ पे ले गया हूँ, चलो मैं इधर ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ले गया मैं। अगर इसको जी करके इसे भी इधर लाऊंगा तो इन दोनों में यही पार्ट आएगा, देखो इसमें, इसमें और उसमें, दोनों में एक ही चीज़ है, समझ गए? और बस ऐसे ही होता है कोई भी अनरैपिंग ठीक है, अनरैप किया हमने से। अब मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर ने इसे कैसे अनरैप किया है ठीक है। आप तो समझ गए कि ऐसे ऐसे खोलना है, ऐसे खोलना किस तरीके से है उसे समझते हैं। यहाँ से जाएंगे इधर, इसे ड्रैग करेंगे और ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे जाके यूवी मैप्स होगा, इसको डिलीट मार दो ठीक है। अब कुछ नहीं दिख रहा आपको। अब इसे खोलने के लिए मैंने आपको क्या बताया, कट लगाना पड़ता है, कट मतलब सीम। तो ऊपर वाले फेस में जाएंगे और 2 दबाएंगे एज मोड, ये ऊपर का फेस समझ लो आप। तो इसे खोलना है आपको, यहाँ पे गए आप इस पॉइंट में, यू दबाया आपने, यू दबाना है आपको, और यहाँ पे आएगा मार्क सीम, ये सीम अप्लाई होगी रेड कलर की ठीक है। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट खुल जाएगा आपका, मतलब ये फेस खुल जाएगा। हाँ लेकिन एक चीज़ और बताऊँ, इसे यहाँ से खुलने के लिए ये पार्ट तो ज्वाइन है इसके, ये एज ज्वाइन है आपकी और ये एज ज्वाइन, इसको भी हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ जाएंगे एम सॉरी यू मार्क सीम, फिर इस पर भी जाएंगे यू और मार्क सीम ठीक है। अब ये फेस आपका आराम से खुलेगा। अब यहाँ चारों साइड करना पड़ेगा हमें, इधर जाके यू, ताकि साइड के भी खुलेंगे। अब देखो यू दबाओगे और कई बार मार्क्सिम आपको दबाना पड़ेगा, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे कोई शॉर्टकट असाइन कर देना, तो वो उस हिसाब से हो जाएगा, लेकिन खैर मैं आपको अभी नहीं कर रहा हूँ। तो यू करना मार्क्सिम, इसमें भी शिफ्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट शिफ्ट और ये शिफ्ट, यू करके और मार्क्सिम कर लो। चाहे यहाँ पे सेलेक्ट मौजूद, सेलेक्ट कहाँ है, सेलेक्ट कहाँ है, सेलेक्ट शार्प एजेस कर दो, शार्प एजेस सेलेक्ट हो जाएंगी ठीक है। और कुछ तो नहीं बचा आपका। और अब यहाँ पे ए करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे इसलिए सीम नहीं अप्लाई की यहाँ पे, ताकि ये पूरा यूं खुल जाए, टी बन जाए, लंबी सी आन चाहिए। अब यू करेंगे और अनरैप कर देंगे, तो देखो अपना टी आ गया, समझ गए? वो जो था टी वही आ गया अपना। साइज वाइज इधर हो सकता है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। तो देखो आप कोई से भी पार्ट को मूव कर सकते हो 3 दबा के, ये देखो जी करके इधर भी, चाहे तो 2 एजेस को भी आप मूव कर सकते हो ठीक है, लेकिन जो जो उसके साथ एज जुड़ी रहेगी वो सब मूव होगा, समझ रहे हो? तो ये है आपकी यूवी अनरैपिंग। एक और बताता हूँ मैं आपको एग्जांपल, फिर एक दो एग्जांपल और है तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। तो जल्दी से मैं एग्जांपल लेके आता हूँ। मान लो ये है ना, यहाँ से इमेज चेंज कर देंगे, यहाँ से रुको, पहले यहाँ पे जाएंगे शेडिंग मोड में, और यहाँ से हटा के इसे ओपन करेंगे ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे हम अपना वापस यूवी एडिटर में, और यहाँ से इमेज हम चेंज कर लेंगे, कौन सी इमेज थी हमारी, ये। अब मैं चाहता हूँ हर एक फेस में हर एक कार आ जाए, पर्टिकुलर फेस में पर्टिकुलर कार आए, 3 दबा के ये दबाया मैंने और जी करूँगा, और अगर मैं यहाँ पे ले आया तो ये पूरा नहीं आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे डिलीट मतलब बताऊँगा, पूरी नहीं आई, पूरी करने के लिए एस और एक्स करेंगे, ये देखो पूरी आ गई। वैसे अब ये वाला लेते हैं, इसे जी लेके इधर चले जाएंगे, एस एक्स करेंगे, ये आ गया। फिर इसे जी करके इधर ले आएंगे, एस और एक्स, हल्का सा जी करके इधर। बस मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको कि भाई क्या क्या
क्या होता है सीन, एस और एक्स करेंगे, फिर जी करके हल्का सा इधर, और एस और एक्स हल्का सा, और लास्ट में ये दो तीन बचे ऐसे भी, एस एक्स एस और वाई, ऐसे भी जी। भाई गर्मी कितनी बढ़ गई यार, है भाई कमेंट करके बताओ कहाँ कहाँ से हो आप। भैया देहरादून में तो बहुत बुरे हाल हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गई गर्मी। अच्छा खैर, तो ये हो गई, हर एक फेस में आपका हर एक वो आ गई, तो यही होती है आपकी भाई यूवी अनरैपिंग। टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो किसी भी, उसमें कंप्यूटर खुद भी कर लेगा तो आसान है, कोई भी कर लेगा भाई। लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्स मॉडल में भी कंप्यूटर कभी कभार दिक्कत कर देता है, लेकिन उसमें हम खुद भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, यहाँ पे एज मोड ये सब है, यहाँ पे व्यू कर सकते हो आप क्या क्या देखना है आपको, मतलब सेटिंग से छोटी मोटी आप देख लेना है। यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको बॉक्स सेलेक्ट और सर्कल सेलेक्ट, इमेज इमेज ओपन ओपन करनी है कोई सी, यूवी, ये यूवी की उसमें जैसे मार्क सीम है, क्लियर सीम है, ये आपके आईलैंड होते हैं थ्री दबा के, ये आईलैंड, सॉरी ये आपके आईलैंड होते हैं, यहाँ तो आपके आईलैंड हो गए, ठीक है। और कुछ है इसमें? ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है मेरे पास, तो ये मैं एग्जाम्पल लाया हूँ, इसे मैं एडिट मोड में लेके जाऊँगा। और अब देखो, उस टाइम तो हमारे पास चकोर चकोर पीसीस थे, इस बार मैंने एक पेंसिल बनाई है, ठीक है। और ये पेंसिल में ना, इसमें आपको अलग अलग जगह टेक्सचर अप्लाई करनी है, जैसे इस पार्ट में आपको ये ब्लैक करना है, इस पार्ट में आपको ये ग्रे करना है, और इस पार्ट में आपको ये रोड वो टेक्सचर करना है, और लास्ट के निब्बे भी आपको ब्लैक करना है। तो देखो इसमें कैसे कैसे लाइन आई है, ऐसी 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 ऐसी, मतलब ऐसे ऐसे आइलैंड्स आए, ये अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलो इसे यूवी मैप हम डिलीट करते हैं, सबसे पहले यहाँ से जाके यूवी मैप डिलीट कर देंगे, ये हो गया डिलीट। कैसे कराया हमने आपको पता है ना, यहाँ से जाके यूवी एडिटिंग में जाना है, यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट करनी है, उससे पहले हमें शेडी मोड में जाना है, वहाँ पे इमेज टेक्सचर करके और अपनी इमेज ऐड करनी है। इसमें सीम भी अप्लाई कर रखी है मैंने, तो ए करके यू और क्लियर सीम कर देंगे। अब जहाँ पे आपके एजेस है, मतलब जाके आप कट्स लग रखे हैं, वहाँ तो सीम अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ताकि टेक्सचर अलग अलग हो। तो सबसे पहले बेसिक कर लेते हैं हम, फिर जाके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर चले जाएंगे, टू दबाएंगे, इस पार्ट को ऊपर वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे, ठीक है। या पहले यहाँ करके देखते हैं, इस पार्ट को कर लेते हैं, इस पार्ट को अलग कर लेते हैं, यहाँ पे आपको वाइट टेक्सचर आएगा, ठीक है। फिर यू करेंगे, मार्क सीम कर लेंगे, फिर जी जी और शिफ्ट करके, मतलब शिफ्ट और मिडल माउस करके नीचे जाएंगे, फिर इसको करेंगे सिलेक्ट, यू और मार्क सीम टेक्सचर, मतलब वो अपना शॉर्ट कट सीम कर लूँ, ठीक है। एक इस पार्ट में भी करना है, तो शिफ्ट शिफ्ट ऑल्ट करके ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यू मार्क सीम और कहीं जगह तो ना, ये हो गया, ठीक है। अब इस पर, अब इसमें एक चीज़ है स्ट्रेचिंग, जब आप इसमें अप्लाई करते हो कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपका जो वो होता है टेक्सचर वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। मतलब आपने फोटो लगाई वो खिंच जाएगी पूरी, जैसे अगर कार का मैंने फोटो लगा तो पूरी कार खिंच जाएगी इतनी लंबी। खैर इसमें हम जाएंगे कहाँ कहाँ था, चल तो इधर ले आते हैं इसे, फिर यहाँ से जाएंगे इसे एडिट मोड में, तो है ही, ए करेंगे, यू करेंगे, अनरैप कर देंगे, कुछ ऐसा हम पे आता है सीन बन के, ठीक है, समझ रहे हो। अब कौन सा पता लगेगा कि कौन सा पार्ट है, ये यहाँ से दबाया हमने थ्री दबा लिया, मान लो ये दबा लिया, फिर यहाँ से जाके हम टैब दबाएंगे, तो ये हमारा ऊपर का पार्ट ही है, समझ रहे हो। और क्या करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमें देखना है कि भाई स्ट्रेचिंग तो नहीं हो रही, स्ट्रेचिंग करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे ओल्ड एज में, और यहाँ इन्हें करेंगे स्ट्रेचिंग, जहाँ पे आपका डार्क ब्लू है, मतलब वहाँ पे कोई स्ट्रेच नहीं है, कोई खिंच नहीं रहा, कुछ नहीं खिंच रहा, लेकिन जहाँ पे आपका हल्का ब्लू है वहाँ पे स्ट्रेचिंग है, और जहाँ पे आपका येलो या ग्रीन है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग है। एक पार्ट ये भी हमारा छोटा था, ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये निब वाला पार्ट है, देख रहे हो, ये रहा निब वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे स्ट्रेचिंग को ठीक करेंगे, ये तो हमारे गोल गोल हो गए, इनकी लंबी सी पट्टियाँ बनाएंगे। अब पहले तो ऐसा करते हैं, इस ऊपर वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं, ये ना इसका ऊपर वाला पार्ट, इसको अलग कर लेंगे, शिफ्ट टू दबाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, यू करेंगे, मार्क सीम, ये अलग हो जाएगा आपका, ए करके यू अनरैप, ठीक है। तो देखो ये अलग से आ गया आपका, कौन सा है, ये हमारा, ये रहा हमारा पार्ट, ठीक है, इसमें तो बिल्कुल स्ट्रेचिंग नहीं है। और ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, ये, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग है, ज़्यादा नहीं है। अब इसे ऐसा करेंगे, इसे लंबा लंबा खोल देंगे हम, ठीक है। तो जहाँ पे सीम अप्लाई होती है वहाँ टेक्स्चर अलग होता है, ठीक है, ये बात याद ध्यान रखना। यहाँ पे जाएंगे, यू करेंगे और मार्क सीम कर देंगे, अभी कट हो गया, जैसे ये ऐसे जुड़ी हुई थी, मान लो ये ऐसे जुड़ी हुई थी, यहाँ से कट हो गया तो अभी खुल जाएगी, समझ गए।
तो फिर जाएंगे ए करेंगे, यू करेंगे, सॉरी ए करेंगे यू करेंगे, अनरैप कर देंगे, अनरैप अनरैप अनरैप। ये आपकी लंबी सी लाइन आ गई, देखो अब देखो ये आपकी लंबी सी लाइन आ गई है और उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग नहीं है, देख रहे हो सिलेक्टेड, ठीक है ऐसे आप आराम से कर सकते हो। ओके तो ये तो हमें लंबी सी पट्टी मतलब लंबी सी लाइन हो गई। ओके तो अब कहाँ कहाँ स्ट्रेचिंग है, ये पार्ट कौन सा है हमारा, ये वाला पार्ट है हमें, इस पार्ट में स्ट्रेचिंग है तो इसे भी हमें वही करना पड़ेगा। मान लो ये सिलेक्टेड है हमारी यू मार्कसिम, ये आपकी सीम अप्लाई हो गई, अब ये ए करेंगे यू करेंगे और आपकी अनरैप कर देंगे, ठीक है तो ये अलग से है आपकी आ गई एरिया आपकी, समझ गए। देखो ये सिलेक्टेड हो गई है, जाओ थ्री दबा के गिरा ये पार्ट, ठीक है समझ रहे हो। ओके तो अब ये हो गई, ये हो गई, अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, नीचे वाला पार्ट आपका ये रहा, इसमें भी आपको एक लंबी सी लाइन खींचनी पड़ेगी, तो इसे करेंगे टू यू मार्क्सिम, और यहाँ से एक यू वी में था, एक ऑप्शन था आपका, रुको इधर लाता हूँ मैं, यू वी लाइव ऑन रैप, समझ रहे हो, इनेबल हो गया। अब जैसे ही हमको सेलेक्ट करेंगे और ठीक है तो वो मतलब कोई इसमें मार्क सीम करेंगे तो खुद ही अनरैप कर देगा, मैं बार बार अनरैप करने की जरूरत नहीं है। और अब देखो काफ़ी बढ़िया सीन हो गया है, समझ रहे हो, ये आपका ये हो गई, देख रहे हो सिलेक्टेड है, थ्री दबा के ये हो गया, ये आपके कौन सा नीचे वाला पार्ट हो गया, ये आपके लंबी पट्टी हो गई, कहाँ है ये रही ऊपर, ठीक है समझ रहे हो। और देखें हम, और ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। तो ये थी आपकी यूवी अनरैपिंग, बहुत ही आसान थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है क्या इसमें कुछ है ही नहीं यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको और हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बिगनर सिखा रहा हूँ ना आपको, आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर हो इस चीज़ में, यूवी अनरैपिंग में बिल्कुल ही बिगनर हो, ठीक है। तो एकदम से ही मैं आप पे बिल्कुल तगड़े मॉडल्स ले आऊँ फिर कहूँ भाई अनरैप करो, तो ऐसा नहीं है ना भाई, अभी बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो ये वीडियो तो आपके लिए भी आइडिया लाने के लिए कि भाई ये अनरैपिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, बेसिक था बिल्कुल। अब आगे आने वाले उसमें वीडियोस में जिसमें हम सीन बनाएंगे, मॉडल्स बनाएंगे बढ़िया, उनमें हम ज़रूर यूज़ करेंगे यूवी अनरैपिंग। तो चलो इसमें टेक्सचर्स कर लेते हैं, टेक्सचर्स का काम कर लेते हैं, यहाँ से जाएंगे हम इसमें शेडिंग मोड में, थ्री करके इसे उस पर सेलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे ये रहा, यहाँ पे कंट्रोल एल दबाओ ताकि ये पूरा सिलेक्ट हो जाए, हो गया। अब जी करके इसे तो ब्लैक पे लाना है। अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम और आती है अनरैपिंग में ना, पहले पूरे को सिलेक्ट करा आपने, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, कंट्रोल ए दबाओ और ऑल ट्रांसफॉर्म में कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपकी जो रिसेट होती है मतलब रोटेशन रोटेशन आपकी सब रिसेट कर देगा, ये आलतू फालतू आपने रोटेशन नहीं की होगी, ए करो फिर यू करो फिर अनरैप कर दो, समझ गए। और अब देखा आपने क्या हुआ, तो क्या हुआ था इसमें, मैंने ना मतलब कंट्रोल ए करके सारे इसको रिसेट कर दिया, स्केल ट्रांसफॉर्म रोटेशंस को, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, अभी रिसेट हो गई तो अब इसमें एरर कम आता है, जो ये आपकी मुड़ती रहती है ना, हल्की सी मुड़ गई है जैसे पहले मुड़ रही थी, वो अब नहीं मुड़ेगी, लेकिन अब इसमें स्ट्रेचिंग भी आ गई है। चलो उसे सही करते हैं, ये वाला पार्ट है हमारा, इस पर लेके जाएंगे, ये रहा ऊपर का पार्ट, तो चलो इसे खोल देते हैं, इसका और कोई इलाज नहीं है, नहीं इसे स्ट्रेचिंग तो नहीं है, इसमें बहुत कम स्ट्रेचिंग है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा करने की, फिर और भद्दा लगेगा, बेकार हो जाएगा। ये पार्ट है आपका स्ट्रेचिंग के लिए, ये वाला पार्ट, इसमें भी एक सीम अप्लाई कर दो, पीछे की तरफ से अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कैमरे, क्योंकि अगर कैमरे के सामने सामने आती है ना तो अजीब लगता है ये। तो टू दबाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, यू करेंगे, मार्क सीम करेंगे, ये हो गई आपकी, ठीक है। और अब और कहीं पे भी है अपनी, इसमें काफ़ी ज़्यादा है, अरे यार इसमें क्यों दे दी उन्होंने, चलो खैर देखो इसमें टेक्सचर वो हो रहा है ना, स्ट्रेच हो जाता है इसमें, यू करो और मार्क सीम कर दो, ठीक है, ए करो यू करो अनरैप कर दो। ओके तो ये वाला पार्ट तो आपका ये रहा, ये वाला पार्ट ये रहा, और ये हो गई आपकी। तो ये हल्की फुल्की स्काई ब्लू तो इतना तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा ये बिल्कुल हरा हो रहा है तो पीला हो रहा है तो बहुत बेकार लगता है। चलो अभी जल्दी फटाफट इसमें करते हैं, चलो इसमें जाएंगे हम, तो यहाँ से गए इसे सेलेक्ट कर लिया हमने, और ये हमारा ऊपर का पार्ट है हमारा ब्लैक रहेगा, जी करके हम इधर लिया इसे, और चाहे तो एस करके थोड़ा छोटा मोटा करना जितना करना, हो गया ये ब्लैक पार्ट हो गया आपका। अब ये वाला पार्ट कौन सा है, नीचे वाला पार्ट है ना आपका, इसे इसे भी ब्लैक बनाना पड़ेगा,
कंट्रोल एल करेंगे अगर हम, तो जी चलो यहाँ पे ले आते हैं, इस साइड में रख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे, ये वाला पार्ट कौन सा है अपना, ये वाला पार्ट है वाइट में लेना है हमें, ठीक है, जी और वाइट, वाइट में लिया है। इसमें सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे, ये कौन सा पार्ट है अपना, ऊपर वाला पार्ट होगा, इसे भी ब्लैक में करेंगे यार हम, जी सॉरी यार हाइड कर दिया मैंने, जी करके यहाँ पे ले आएंगे इसे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक ही जगह में तीन से इन वो आ गए आपके, ये सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एल कर लेंगे, और एक पार्ट कौन सा है आपका, ये वाला पार्ट है, ऐसे लकड़ी वाले में लाना है, जी करके इसे लकड़ी वाले में ले आओ, आर टू रोटेट, ये पार्ट कौन सा है आपका, ये पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट है आपके, तो इसे कंट्रोल एल करेंगे, एस टू स्केल थोड़ा छोटा करो पहले, तो ज़्यादा बड़ा हो गया, आर करो 90 कर दो इसे, एंटर, जी करके थोड़ा सा इधर लिया, समझ गए। तो ये आपकी प्यारी सी पेंसिल बन गई, ओल्ड एज कहाँ है आपके, इसे ओल्ड एज बंद कर देता हूँ, और ये देखो ये बनी आपकी प्यारी सी, यानी बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है यार, थोड़ा बहुत लो पर सही पा रहा है, खैर कोई नहीं भाई, बढ़िया लग रही है, प्यारी लग रही है, देख रहा। तो ये होता है आपका यूवी अनरैपिंग, समझ रहे हो, समझ गए अच्छी तरह, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कंट्रोल ए जरूर करना वरना दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो उसमें भी कर लेते हैं अप्लाई, कोई दिक्कत थोड़ी थी, लेकिन वो टेढ़े मेढ़े हैं, उसमें मज़ा नहीं आता, टेक्सचर भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उसमें, तो सीधा ज़रूर, सीधा हो तो ज़्यादा ठीक है, कोई दिक्कत, वैसे सीधा हो तो ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ओके तो ये इतना पार्ट तो हो गया आपका, अब बढ़ते हैं, अब कहाँ बढ़ते हैं, ये हो गया, अब मैं आपको थोड़ी बहुत वो चीज़ समझा देता हूँ, कौन सी, जो वो इमेज टेक्सचर की कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, तो चलते हैं हम लेआउट में। हाँ तो शेडिंग में जाना है हमें, शेडिंग में मतलब शेडिंग के लिए पहले यहाँ से एक को ले आते हैं हम, यहाँ से गए शेड एडिटर में, इसे ले आएंगे, पहले एक चीज़ इनेबल करो, एडिट में जाओ, प्रेफरेंसेस, भाई साहब लैपटॉप इतना गर्म होता है कि मैं लैपटॉप को नीचे बर्फ़ की प्लेट रखता हूँ तब जाके कुछ रिकॉर्ड कर पाता हूँ, वरना तो बहुत ही बुरी हालत है। विंडो 10 वैसे ही है, 4 GB रैम है। खैर यहाँ पे इनेबल करो नोड रैंगलर, नोड रैंगलर, ओके, इसमें टिक मार देना हो जाएगा, और यहाँ से जाएंगे हम इसमें, तो वो तो यूवी मैप थे हमारे जो हमने किया है, ठीक है, यहाँ पे यूवी मैप हमारा टेक्सचर है, ये रहा यूवी मैप जो हमने अभी अभी बुक कराया अपना, तो ये इमेज टेक्सचर है अपना, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे लीनियर है, लीनियर इंटरपोलेशन, ये क्या करता है दरअसल, कोई आपकी इमेज है उसे स्केल अप स्केल डाउन करता है, स्केल अप स्केल डाउन मतलब कोई इमेज है कम रेजोल्यूशन की है, रेंडरिंग के टाइम, रेंडरिंग के होने के बाद वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा रेजोल्यूशन की हो जाएगी, लीनियर ज़्यादा कुछ खास करता नहीं है, मतलब सिंपल है, कॉमन है, तो लीनियर मैंने आपको बता दिया। क्यूबिक क्या है, क्यूबिक में क्या होता है, ये स्केल अप कर देता है, स्केल अप या स्केल डाउन कर देगा इमेज को, लेकिन जो हम इसे यूज़ कर देना, इसे हम बम नोड के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, ये स्मूथ बना देता है, और ये आपका एक स्मार्ट होता है, ये लीनियर को यूज़ करता है स्केल डाउन डाउन करने के लिए, और क्यूबिक को यूज़ करता है स्केल अप करने के लिए। ओके तो ये लीनियर और ये सब आपके हो गए, ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं, ये फ्लैट जो है मतलब ये प्रोजेक्शन मेथड है, तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में ही, और ये रिपीट है, रिपीट मतलब टाइल लुक देने के लिए टेक्सचर्स हैं उनको रिपीट करना है, और एक्सटेंड जो होता है ये एजेस में जो पिक्सल्स हैं उनको मतलब उनको रिपीट करना है, ये इमेज होती है जो आपको ना इमेज सिक्वेंस, ये सभी एनिमेशन के लिए होती है, ठीक है, मतलब इमेजेस में जो एनिमेशन करना है आपको उन सबको डील करती है, यहाँ पे चीज़ें जो फ्रेम्स है, स्टार्ट फ्रेम, ऑफसेट, ये सब है, ऑटो फ्रेम फ्रेश, तो अभी तो हमने एनिमेशन बिल्कुल भी सीखा ही नहीं है, तो अभी मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। और ये आपका वेक्टर है, मतलब इसमें पोजीशन जोड़ने के लिए, मतलब वेक्टर मतलब मैंने आपको बताया वेक्टर इमेज के वेक्टर्स होते हैं, अगर आपको चेंज करनी है उनकी हाइट हाइट और स्केल स्केल ये सब, अभी मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कहा नोड रेंगलर आप इनेबल कर लेना, यहाँ पे जाके फिर आप दबाना कंट्रोल और टी, तो ये ऐसा कुछ साइड में आ जाएंगी चीज़ें, ये आपके वैक्टर्स, देखो अगर मैं लोकेशन यहाँ पे से यूवी में रखना, और मैं अगर लोकेशन यहाँ पे चेंज करूँगा, तो देखो ये चेंज हो जाएंगे, कहाँ 0 पे थे हम, रोटेशन तो ये रोटेट होंगे, रोटेट ये लग नहीं रहा आपको कि इस वाले पार्ट में देखना, ये रोटेट होगा आपका, ये देखो ये रोटेट हो रहा है, जेड में करोगे तो ये रोटेट होगा, स्केल अप स्केल डाउन करना है आपको, ठीक है, तो वो हिसाब से हम कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले इसे सब कुछ कर रखा है, तो ये अभी करके कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, ये होता है आपके टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये आपके जनरेटेड है, जनरेटेड मतलब बिल्कुल फ्लैट लुक देता है ये, अगर मैंने किसी क्यूब में रख दिया तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्लैट लुक देगा ये जनरेटेड आपका, यहाँ जैसा कि यहाँ कनेक्ट कर दूंगा तो बिल्कुल फ्लैट लुक देगा,
मतलब जो टेक्सचर उसको चिपका देगा। देखो जैसे इसमें इसने टेक्सचर चिपका दिया और बिल्कुल लंबा खींच दिया इसने, देख रहे हो। अगर देखो ये इसने टेक्सचर के ऊपर रखा वही फिट नहीं आया तो इसने पूरा खींच दिया इसको, स्ट्रेच कर दिया, वही जनरेटिव उसलिए होता है ये, ठीक है। और अगर देखो मैं क्यूब, एक क्यूब दिखाता हूँ मैं आपको, शिफ्ट ए करके एक क्यूब और जोड़ेंगे हम, जी ओ और एक्स मिल जाते हैं इसे, यही टेक्सचर हम ये मटेरियल अभी ले आते हैं और उसको कर देते हैं न्यू मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पे जाके एक नई इमेज ले आता हूँ मान लो ये इमेज ले आता हूँ मैं ब्रिक की, तो ये क्योंकि हमने जनरेटेड में लिया था, अगर देखो अगर मैं यूवी में लेता हूँ तो ये फिर भी कुछ सही दे रहा है, लेकिन अगर यूवी मतलब अनरैप हुआ है ना पहले, कंप्यूटर अनरैप किया है, नहीं जैसे मैं जनरेटेड पे लेके जाऊंगा तो ये देखो क्या बुरे हाल है। इसने ऊपर तो टेक्सचर अप्लाई कर दिया, ऊपर तो आ गया फिट बैठ गया, अब नीचे की तरफ आया, नीचे इसने खींच दिया बिल्कुल लंबा खींच दिया और फिर नीचे फिर सही कर दिया, तो यही करता है जनरेटेड, ठीक है। और ये आपका ये नॉर्मल्स होते हैं, तो चलो मैं आपको ऑफिस पेंसिल वाले पे लेके चलता हूँ, पेंसिल कहेंगे अपनी यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो जनरेटर समझ में, अब चलते हैं हम नॉर्मल में, तो ये नॉर्मल कुछ ऐसा लुक देता है, ज़्यादा बढ़िया नहीं, बस ठीक ठाक। मेन आपका यूवी है यहाँ पे, देखो यूवी वही लुक देगा जो हमने किया है, हमने अपने हिसाब से यूवी सेट किया है तो ये यूवी वाला लुक देगा। यहाँ से अगर मैं ऑब्जेक्ट में आ जाऊँगा तो रुको थोड़ा ऊन दो, तो ये कुछ ऐसा लुक देगा। वैसे इसमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमने तीन टेक्स्चर है ना इसमें, क्यूब कहाँ गया अपना, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट और जनरेटिव बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है इसमें। यहाँ कैमरा है, यहाँ पे देखे जाओ, देख लो जैसे मैंने कैमरा किया तो कैसा हाल हो रहा है इसके, ये देखो क्या प्यारा लग रहा है, कुछ ऐसा सीन नहीं आता है इसमें। अब इसको क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बढ़िया लग रहा है ये, मतलब टेक्सचर अपनी जगह है, हम क्यूब पे इधर उधर कर रहे हैं। और वहीं अगर हम विंडो में करेंगे तो विंडो में थोड़ा बदल जाएगा ये, देखो इसमें वही सीन है लेकिन कैमरे वाले में थोड़ा छोटा हो गया था, ये स्केल डाउन हो गया था। देखो अगर मैं बताऊं कैमरे वाले सब छोटा हो गया था, लेकिन वही अगर मैं विंडो में करूं तो इसमें काफ़ी बड़ा बड़ा है, लेकिन अब टेक्सचर अपनी जगह है। फिर रिफ्लेक्शन पे आ जाते हैं, तो देखो रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, अब आपका वो भी मूव हो रहा है क्या, टेक्सचर भी मूव हो रहा है, और ये टेक्सचर ऐसा लग रहा है जैसे हम क्यूब के अंदर रखे हुए, मतलब स्फीयर के अंदर रखा हुआ हमने ये क्यूब, देख रहे हो वैसे ही टेक्सचर आ रहा है ये। क्योंकि अगर शिफ्ट ए करके मैं यहाँ पे एक स्फीयर ऐड करूँगा, जी और एक्स, इस पे जाके मैं वही मटेरियल सेलेक्ट करूँगा ये मटेरियल, और इस पे मैं कर लूँ मान लो जनरेटेड, तो ये देखो ये कुछ ऐसा गोल आ रहा है इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखो ये ऐसा गोल आ रहा है इसमें, वही अगर मैं क्यूब पे लेके जा रहा हूँ, इस पे अगर मैं करूँगा यहाँ पे विंडो रिफ्लेक्शन था ना हमारा, थोड़ी देर को, और ये देखो ये भी इसमें गोल आ रहा है, देखो ये पार्ट ही रहा, समझ रहे हो। तो ये रिफ्लेक्शन वो काम करता है, बाकी तो और कुछ नहीं है आपको समझाने के लिए, और कुछ भी है क्या। अच्छा मैंने इसमें दो दो जोड़ दिए ना, छोड़ो खैर। ओके तो ये वेक्टर होते हैं आपके स्केल अप स्केल डाउन करने के लिए, जैसे मैं स्केल डाउन करता हूँ यहाँ पे, पहले मैं यूवी में करूँगा, अब यहाँ पे रोटेट करने हैं अगर आपको टेक्सचर्स, ठीक है, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग, फिर स्केल करना है अगर आपको, ठीक है, फिर ये वाई के अलोंग वो करना है, और ये लोकेशन वोकेशन चेंज करनी है अपनी उसकी, तो बस वही काम करता है। यहाँ पे PBR मतलब प्रिंसिपल BSDS से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ रफनेस वफनेस आप इस पर चेंज कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, मतलब ये पार्ट तो खत्म ही हो गया और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप खत्म तो उम्मीद है आज की वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो अच्छी तरह, मॉडल्स बनाओ और फिर इसमें टेक्स्चर्स कोई भी ले लो, मैं अभी मैंने जैसे आपको बताया था पिछली वीडियो में टेक्स्चर कैसे डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर जाके आप उसे डाउनलोड कर लेना, कोई भी टेक्सचर लेके उसे फिर अप्लाई करो, ठीक है, या कोई सी भी इमेज ले लो उसे अप्लाई करो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो तो अच्छे हो जाओगे आप, ठीक है। और आगे जो दो तीन और वीडियोस बचे हैं बस, ज़्यादा खत्म ही हो गया आपका शेडिंग वाला पार्ट,
एक दो वीडियो और बचे हैं जिसमें हम एक 3D सीखने वाले हैं और थोड़ा मिक्स शेड सीखेंगे, मैं सारे शेड्स को मिक्स फिक्स करेंगे और बड़े मटेरियल्स बनाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।